पाँच साल हो गए यार इस मेडिकल को करे हुए। तुम बताओ बहुत दिन बाद आना हुआ। बस यार काम में उलझे हुए थे यार। मेरे एंगेजमेंट के फोटो देख यार। ये भैया अच्छा ये दवाई दे दियो जल्दी से, मेरी अरे बेटी चचा की तबीयत खराब। अरे दे रहा हूँ अभी भैया, थोड़ा जल्दी दे दो। अरे चचा दो मिनट रुको यार, अभी दे लाओ। अच्छा दो ये पकड़ो जाओ, पैसे दो। अच्छा चलो हो गए, देखो भाई फोटो दिखाओ। अरे यार यार मैंने उन चचा को धोखे से चूहे मारने की दवाई दे दी। पहली बात तो भाई तू ये बता कि तूने पांच साल तक मेडिकल स्टोर में किया क्या है कि जो तुझे इंसान और जानवर की दवाई के बारे में पता नहीं है। और दूसरी बात, मेडिकल स्टोर में कब से चूहे मारने की दवाई मिलने लग रही है? प्रधान जी हम दोनों दोस्त हैं, शहर से पैसा कमा कर लेकर आए थे। शाम हो गई, हमने पैसा चौक वाले पेड़ के नीचे दबा दिया, सोचा कल निकाल लेंगे। तो भाई तुमने वो पैसे कमा के नहीं चुरा के लाए थे? क्योंकि ऐसा कौन करता है भाई जो पैसे कमा के लाता है और मिट्टी के नीचे दबा के रखता है। आज देखा तो पेड़ के नीचे पैसा ही नहीं है, मुझे लगता है सारे पैसे इसने निकाल लिए। प्रधान जी मैं चोर नहीं हूँ, इसने निकाले होंगे पैसे। कौन सा पेड़ बताया प्रधान जी? वो चौक वाला, वो पेड़ तो बोलने वाला पेड़ है। अब हमारे ईशान भैया लगाएंगे अपना 100 IQ वाला दिमाग। चोर कौन है ये तो वो पेड़ ही बता देगा। आप लोग जाओ, हम लोग आधे घंटे में वहीं पहुंच रहे हैं। प्रधान जी इंसाफ करो। पेड़, इन दोनों में से चोर कौन है, शाहिद या एजाज? पैसा शाहिद ने चुराया है। देखा प्रधान जी, बता दिया पेड़ ने, पैसा इसी ने चुराया है। पैसा इसने नहीं, तुमने चुराया है। अभी तो पेड़ ने बताया है पैसा इसने चुराया है। ये पीछे खड़े हुए थे पापा। लेकिन एक सेकंड, ये स्टोरी तो कहीं सुनेला लग रहा है। भाई ने ये स्टोरी कॉपी किया विक्रम और मुंजा सीरियल से। भाई कसम से बता रहा हूँ, वो स्टोरी भी ना तेरे से 100 गुना ज्यादा बढ़िया थी।